प्रशासन में प्रधानमंत्री मोदी के 20 वर्ष पूरे होने पर आज अपनी विशेष सीरीज में हम आपको नई रिपोर्ट दिखाएंगे। आज हम आपको उनके उस फैसले के बारे में बताएंगे जिसने उन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता की ताकत दी जिन्हें पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक होने की सजा मिली, जिन पर गैर मुस्लिम होने की वजह से अत्याचार हुए और जो लोग अपना घर, अपना मुल्क छोड़कर भारत आने पर मजबूर हो गए। आपने देखा होगा आजकल बांग्लादेश में क्या हो रहा है। इन दिनों भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले काफी बढ़ गए हैं और ये सब देखकर लोगों को CAA की याद आ रही है, नए नागरिकता कानून की याद आ रही है जो उन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। आज उसी पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। लागूराम, भागचंद, 14 साल हो गए हमारे को। रानी, बेटे तो हम रहते थे मगर थे किसी और की जमीन में और उधर हम सेफ नहीं थे। आचार, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का। और भूरा लाल जैसे पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून वरदान साबित हुआ है। राजस्थान के जोधपुर की इन झोपड़ियों में रहने वाले कई परिवार ऐसे हैं जो वर्ष 2014 से पहले भारत आए लेकिन अब तक नागरिकता नहीं मिली। लोग बताते हैं पाकिस्तान में पक्का मकान तो था लेकिन सुरक्षा नहीं थी। अभी यहाँ आए झोपड़ियों में बैठे हैं, वहाँ तो पक्के मकान थे मगर यहाँ झोपड़ियों में बैठे हैं फिर भी अपने आप को सेफ समझते हैं। यहाँ झोपड़ी ही है लेकिन जीवन सुरक्षित है और अब तो भारत की नागरिकता भी मिलने वाली है। वहाँ की स्थिति ये थी कि बेटे तो हम रहते थे मगर थे किसी और की जमीन में और उधर हम सेफ नहीं थे। बहू बेटियाँ हैं, उसकी इज्जत साफ नहीं थी, महफूज नहीं थी और भी तो कहीं अगर खेती बाड़ी कोई करते थे तो उसका पूरा हिसाब किताब नहीं मिलता था। मोदी जी ने ये कानून पास किया है, कम से कम अभी ये है कि हमें जो है 2014 तक जो आए उसको नागरिकता मिलने की कुछ जो है किरणें दिख रही है। वहाँ के हालात सही नहीं थे इसलिए हम यहाँ पे आए। लेडीज और सेफ नहीं थे वहाँ पे, बस यही था। और यहाँ पे खुल के जी सकती है लेडीज। ये लोग पाकिस्तान छोड़कर सिर्फ इसलिए भारत आए क्योंकि वहाँ उन्हें हिंदू होने की सजा दी जाती थी, अत्याचार किया जाता था, हमले किए जाते थे। हिंदू महिलाओं का या तो जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था या फिर धमकी दी जाती थी। CAA ऐसे ही लोगों को नई जिंदगी देने के लिए तो बना है। ये भागचंद है, समाज सेवी है। 7 साल पहले कराची में कट्टरपंथियों ने इनके मेडिकल सेंटर पर हमला किया था, इन्हें 2 गोलियां लगी थी। उसके बाद ये जान बचाकर वहां से जोधपुर आ गए। अब भारत की नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे CAA लागू हुआ है तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द CAA लागू हो जाए। और वैसे पुराने हिसाब से 1955 के जो एक्ट के हिसाब से जो हमें नागरिकता मिल रही है, 1 साल 7 साल का ड्यूरेशन है, दूसरा 12 साल का, तो अगले महीने बिल्कुल ही जो है यहाँ आदेश आ गए हैं। अगले महीने में कैंप लगने जा रहा है 1.5 महीने के लिए। और जिस लोगों की जो, जैसे मैं 2014 में आया हूँ तो मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको राहत मिलेगी। इनमें से कई शरणार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें पुराने कानून के मुताबिक ही भारत की नागरिकता मिल चुकी है। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर CAA कानून दिसंबर 2019 में बना। धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। और 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। लेकिन इस दौरान देश में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। दरअसल विपक्षी दलों ने अफवाह फैलाई कि CAA मुस्लिम विरोधी कानून है। अफवाह पर भरोसा करने वाले लोग सड़कों पर उतरे। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के खिलाफ 100 दिनों से ज्यादा लंबा विरोध प्रदर्शन चला था। पूरी सड़क को प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना लिया था।
मीडिया के एक खास वर्ग को ही वहां एंट्री थी। हम अंदर आके आपसे बात करते हैं। इनके पक्ष में है ना हम इनके विपक्ष में, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोई लेकर आया है और उसको ना अंदर आने दिया जाए, ये फिर किस तरह का लोकतंत्र है? ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। ये देश की राजधानी है दिल्ली, लोकतंत्र है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां पुलिस नहीं जा सकती। वैसे तो हमने ये सुना था कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है, इलाका होता है जहाँ पुलिस भी नहीं जा सकती। आप माहौल देखिए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर हुआ है, कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं और हमारा ही विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के काफी दबाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएए के फैसले पर अड़े रहे। मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। हमारा फैसला सही है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का परिणाम ये हुआ कि देश में 2 करोड़ शरणार्थियों की उम्मीद बन गई कि वो भी अब भारत के नागरिक कहलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.